घुटने में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, पेशाब में जलन, बाथरूम जाते हुए दिक्कत, जितनी सारी बीमारियां आपके अंदर है उन सब बीमारियों का इलाज ये जो आप साइड में वीडियो देख रहे हैं ऐसे लोगों के पास होता है। ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बाजारों में 36 तरह की जड़ी बूटियों के साथ बैठते हैं और पीस करके दवाई बनाते हैं। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जब वो माइक पे बोलने लगते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, इतने पेड़ पौधों के वो नाम बता देंगे कि शायद ही आपने कभी सुना है। जो पेड़ पौधे आपके इलाके में नहीं मिलते वो चीन, जापान, मद्रास, उनको कहीं भी जाना पड़े वो वहां से लेके आते हैं। संजीवनी बूटी, बालम खीरा और क्या क्या न जाने कितनी प्रकार की जड़ी बूटियों के नाम वो गिनवाते हैं आपको, और आप विश्वास करके इन लोगों से ये दवाई लेते हैं। एक पुड़िया 50 रुपया, दो पुड़िया 100 रुपया, और दो पुड़िया के साथ एक पुड़िया जब फ्री दिया जाता है तो एक के बदले 4 लोग आगे आ जाते हैं और 3 पुड़िया खरीद लेते हैं। अब उसके इस्तेमाल से आपके चाहे इन सब बीमारियों का इलाज हो या ना हो ये बाद की बात है, लेकिन 100 रुपये आपसे वो ले गया। आपको लगता है कि जब बाजार में इस तरह की जड़ी बूटियों के साथ बैठ करके माइक पे 2-4 डायलॉग मारते हैं और बोलते हैं और इनके पास इन सब बीमारियों का इलाज होगा, यदि इन सब के पास ऐसी बीमारियों का इलाज होता तो आज इतने बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं जहां लोगों की लाइन लगी रहती है वहां जाने की क्या ज़रूरत थी, इन लोगों के पास ही दवा लेके ठीक हो जाते। अगर इनकी दवाइयों से लोग ठीक होते तो क्या इनको छोटे छोटे बाजारों का रुख करना पड़ता या छोटे छोटे बाजारों में आकर के माइक लगा करके लोगों को जगा करके बेचना पड़ता? नहीं, लोगों की लाइन इनके पास लग जाती। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं। आप भी ज़रा देखिए सुनिए इनकी बातें, और आप भी कभी ऐसे लोगों से अगर कुछ दवाई लिए हैं, काम हुआ है तो भी बताइएगा, नहीं हुआ है तो भी बताइएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों का बॉयकॉट हो और ऐसे लोग जो बाजारों में आकर के, छोटे छोटे बाजारों में आकर के गांव देहात के लोगों को ठग कर ले जाते हैं, इन सब से लोग बचें, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक ये बातें पहुँचे। इन सब के पास कोई चीज़ का इलाज नहीं होता दोस्त, ये सब ठगने वाले लोग होते हैं और ठग करके आपको चले जाते हैं। आधा घंटा भाषणबाजी करते हैं, डायलॉग मारते हैं और 2,000, 3,000, 5,000 का बिजनेस करके निकल जाते हैं, और आप फिर वही पुड़िया ले जा करके एक दिन खाते हैं और आपके घर में वो सड़ जाता है। तो ये सब चीज़ों से आप लोग बचा